नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे नेटवर्क सॉफ्टवेयर की। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक तो नेटवर्क हार्डवेयर और दूसरा नेटवर्क सॉफ्टवेयर। तो नेटवर्क हार्डवेयर पार्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर तक काफ़ी डिटेल में कवर किया है, वो आप जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क सॉफ्टवेयर पार्ट का। अगर हम नेटवर्क सॉफ्टवेयर पार्ट को देखें तो टोटल नेटवर्क सॉफ्टवेयर पार्ट को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला है प्रोटोकॉल हायरार्कीज की। कई सारे अगर हम जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था वहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि दो मेजर आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, TCP/IP और OSI प्रोटोकॉल्स, जिसका हम यूज करते हैं जनरली एज ए सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में। तो वहाँ पे ही प्रोटोकॉल्स हायरार्कीज की बात आएगी, उसको हम देखेंगे डिटेल में क्या होता है। सेकेंड, नेटवर्क आर्किटेक्चर। एक बेसिक नेटवर्क आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर होगा, जो सॉफ्टवेयर डिजाइंड होगा उसके लिए, कि अगर कई सारे कंप्यूटर नेटवर्क में हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर्स होगा दोनों सिस्टम पे, उसकी बात करेंगे। तो उसका एक जनरल आर्किटेक्चर हम देखेंगे जिसको हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के भी नाम से जानते हैं। सेकेंड, हम बात करेंगे डिज़ाइन इशू फॉर नेटवर्क लेयर। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पे कई सारे लेयर आते हैं, उस लेयर के हम कुछ डिज़ाइन इशू के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस को, ये भी डिटेल में आगे हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम दो पार्ट को कवर करेंगे नेटवर्क सॉफ्टवेयर में। पहला नेटवर्क प्रोटोकॉल हायरार्कीज एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चल सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको इन दोनों से ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोकॉल हायरार्कीज। प्रोटोकॉल हायरार्कीज क्या होता है? मोस्ट नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए स्टैक ऑफ लेयर्स आर लेबल्स ईच वन बिल्ड अपॉन एंड वन बिलो इट। किसी भी नेटवर्क का अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो नेटवर्क होते हैं वो लेयर में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लेबल भी कह सकते हैं। जैसे इस आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1, ऐसे ही लेयर 5, 4, 3, 2, 1। ये सपोज कीजिए कि डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है। इन दोनों का अगर आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है तो सिस्टम ए पे भी ये पांचों लेयर काम कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम बी पे भी ये पांचों लेयर काम कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि पूरा सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम ए पे भी है, दूसरे पे भी सिस्टम पे भी सॉफ्टवेयर है। इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरली आपका कोई कम्युनिकेशन होता है। मतलब हार्डवेयर तो होगा, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है तो हार्डवेयर है, अगर बीच में राउटर है, अगर लाइन का केबल है तो वो सब तो हार्डवेयर है, लेकिन वहाँ पे सॉफ्टवेयर भी काम करता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 लेयर है, ये जनरली एक हम नॉर्मल प्रोटोकॉल हायरार्की को समझा रहे हैं। यहाँ पे इससे ज़्यादा या कम लेयर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कैसे आप कौन सा किस तरह का सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन कर रहे हैं या कैसा प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो 5 है, एग्जांपल तौर पर हम ले रखा है, और यहाँ भी सिस्टम बी के पास भी 5 है। अब देखिए जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे सपोज कीजिए कि सिस्टम ए से सिस्टम बी का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 लेयर है, पाँचों लेयर का आपस में क्या होगा कम्युनिकेशन। जैसे देखिए लेयर 5 का है तो ये लेयर 5 क्या, देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1, इन सबके बीच में एक इंटरफेस होता है। जैसे इस वाले लेयर को जो लेयर 1 और लेयर 2 दिया गया है, इसको कहते हैं लेयर 1-2 इंटरफेस। 1-2 मतलब 1 आपका लोअर लेयर है, 2 आपका अपर लेयर है। तो हमेशा जो लोअर लेयर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है अपर लेयर को, मतलब लेयर 1 सर्विस प्रोवाइड करेगा लेयर 2 को, लेयर 2 सर्विस प्रोवाइड करेगा लेयर 3 को, लेयर 3 प्रोवाइड करेगा 4 को, और 4 प्रोवाइड करेगा 5 को। अब जब ये लेयर इस तरह से काम कर रहा है तो ऐसे ही यहाँ भी काम करेगा, मतलब यहाँ का लेयर 1 लेयर 2 को सर्विस प्रोवाइड करेगा, लेयर 2 लेयर 3 को, लेयर 3 लेयर 4 को, लेयर 4 लेयर 5 को। इन सबके बीच में हर लेयर पे जितने भी लेयर होंगे वहाँ पे उसका पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स काम करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल है, लेयर 5 प्रोटोकॉल।
यहां पे कौन सा लेयर आएगा, यहां पे प्रोटोकॉल्स आ जाएगा लेयर फोर प्रोटोकॉल, ऐसे ही यहां पे लेयर थ्री प्रोटोकॉल, ऐसे यहां पे आ जाएगा लेयर टू प्रोटोकॉल, यहां पे आ जाएगा लेयर वन प्रोटोकॉल। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसके इसके बीच में कम्युनिकेशन होता है तो एक्चुअली में यहां पे एक देखिए डैश लाइन दिख रहा है, ये आपका यहां से यहां कम्युनिकेशन नहीं होता, ध्यान दीजिए लेयर फाइव का, लेयर फाइव से कम्युनिकेशन नहीं होगा। सिस्टम ए का अगर बी में दोनों में बात कर रहे हैं तो सिस्टम ए पे भी ये सारे लेयर हैं, सिस्टम बी पे भी सारे लेयर हैं, लेकिन ये डॉटेड लाइन यहां पे ये शो कर रहा कि इसके इसके बीच में कम्युनिकेशन, लेकिन एक्चुअल में यहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। फोर से फोर पे यहां पे प्रोटोकॉल तो काम कर रहा है, लेकिन जैसे चाहो कि आप लेयर थ्री डायरेक्टली लेयर थ्री से कम्युनिकेट कर ले दूसरे सिस्टम के, नहीं कर सकता। वो हमेशा किसके थ्रू करता है, फिजिकल मीडियम के थ्रू। यहां पे फिजिकल मीडियम होगा मतलब यहां से जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम, जैसे सपोज करो कि लाइन है, कोई वायर्ड लाइन है या वायरलेस लाइन है, तो उसके थ्रू ही यहां पे मैसेज जाता है दूसरे सिस्टम के पास। ये आपका जो शो करता है यहाँ पे प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल हर लेयर के लिए रूल्स होते हैं। जनरली अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है, प्रोटोकॉल्स आपका रूल्स होता है, किस रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा रूल फॉलो करेगा लेयर फाइव पे, कौन सा रूल फॉलो करेगा लेयर फोर। तो हर लेयर के लिए कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब हम आगे डिस्कशन करेंगे क्लास में पर्टिकुलर किसी मॉडल को या किसी रेफरेंस मॉडल को जो हम पढ़ेंगे, जो एक्चुअली में हम आज के डेट में अपने सिस्टम में यूज करते हैं, तो वहां पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यहाँ पे आते हैं। फिलहाल अभी समझिएगा कि यहाँ पे भी प्रोटोकॉल होंगे, यहाँ भी प्रोटोकॉल, हर लेयर के कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जो एक्चुअल कम्युनिकेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, फिजिकल मीडियम, मतलब यहाँ पे फिजिकल मीडियम जो आपका या तो वायर कम्युनिकेशन होगा या वायरलेस होगा, इसके थ्रू कोई डेटा ट्रांसफर होगा। अब सपोज कीजिए सिस्टम ए है सिस्टम बी, तो सिस्टम ए से बी पे कोई डेटा ट्रांसफर जाता है तो सिंपली यहां से डेटा आपका जो ए से है, ए से सीधा किस पे आएगा, फिजिकल मीडियम पे, और फिजिकल मीडियम के थ्रू सिस्टम बी पे पहुंच जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल प्रोटोकॉल हायरार्की, कैसे हम प्रोटोकॉल हायरार्की कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेटवर्क आर्किटेक्चर की, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर समझ सकते हैं ए सेट ऑफ लेयर एंड प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिएगा यहां पे लेयर एंड प्रोटोकॉल मतलब इसी की बात कर रहा है, सेट ऑफ लेयर और सेट ऑफ प्रोटोकॉल, इन दोनों को अगर हम सेट करते हैं दैट इज कॉल्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो इस टोटल को हम क्या कह सकते हैं, टोटल को एक तरह से हम कह सकते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर है। ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय सर्टेन सिस्टम इज कॉल्ड प्रोटोकॉल स्टैक। जितने भी यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होंगे किसी भी सिस्टम में टोटल बात करें तो उसको हम एक प्रोटोकॉल स्टैक भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक और हमने डायग्राम लिया है नेटवर्क आर्किटेक्चर को और अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका सिस्टम ए है, ये आपका सिस्टम बी है। जनरली हम इसको लेके चल रहे हैं सोर्स, सोर्स मशीन, सोर्स मतलब मीन्स मशीन से मीन्स कि यहाँ से हम किसी मैसेज को सेंड करेंगे, और ये है आपका डेजिग्नेशन मशीन, मतलब यहाँ पे आपका जो मैसेज ए से सेंड होगा वो बी के पास सेम मैसेज रिसीव होगा। अगर हम लेयर की बात करें तो यहाँ पे लेयर देखिएगा, लेयर आपका ए फाइव है, ए फोर है, ए थ्री है, ए टू है, और यहाँ पे जो हमने कम मीडियम ले रखा है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, यहाँ पे लेयर वन हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए कैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। एक्चुअली में हमने एक मैसेज एम लिया, कोई भी एक मैसेज एम है या कोई भी डेटा कह सकते हैं आप, डेटा हमने एम लिया, इसी को हम किसके पास भेजना है, बी के पास। तो कैसे सेंड होगा देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो लेयर फाइव से है डेटा, यहाँ पे एम, ये डेटा आएगा किस पे, लेयर फोर पे, लेयर फोर पे आएगा, तो लेयर फोर पे ये मैसेज तो होगा होगा, लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक हेडर भी ऐड कर देगा। हेडर क्या होता है, हेडर यहाँ से आप देख सकते हैं, हेडर क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैसेज, मैसेज का आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा कि किस सिस्टम का, जैसे इस सिस्टम का क्या एड्रेस है जो मैसेज सेंड कर रहा हो सकता है, सीक्वेंस नंबर, अगर कई सारे मैसेज सेंड कर रहा है तो इस मैसेज का सीक्वेंस नंबर क्या है, ये यहाँ पे हो सकता है हेडर में, मैसेज का साइज क्या है वो भी हो सकता है, वो हेडर डिपेंड करता है किस लेयर पे है, अलग अलग लेयर पे अलग अलग हेडर का रोल होता है। तो हम हेडर को मान के चल रहे हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन
हर हेडर में आपको ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ पे हेडर ऐड हो गया। अब जब यहाँ से थर्ड लेयर पे आएगा, ध्यान दीजिए ये टोटल तो आएगा आएगा, ठीक है। अब इसको मैसेज को ब्रेक भी किया जा सकता है, जैसे थर्ड लेवल पे हमने क्या किया, अगर मैसेज बहुत बड़ा है या मैसेज साइज बड़ा है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे M1 M2 हमने दो मैसेज में ब्रेक कर दिया। अब इसके साथ देखें तो M1 तो आया, यहाँ पे M1 M2 ब्रेक हो गया, लेकिन हेडर 4 भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हेडर 4 आ जाएगा, और इसी के साथ एक हेडर 3, लेयर 3 है तो इसका हेडर भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, हो सकता है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कोई एल्गोरिथम लगा हो मैसेज इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है हेडर इसका। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमने हेडर ऐड कर दिया, हेडर 3। अब देखिए हेडर 4 हम किसी भी एक मैसेज के साथ रख सकते हैं, अब हेडर 3 यहाँ है तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये हेडर 3 M1 के साथ, हेडर 3 M2 के पास, तो ये कहीं ना कहीं सेम मैसेज को ही ब्रेक किया गया है। अब इसके बाद जब हम हेडर 2 यहाँ पर आएंगे लेयर 2 पे, तो देखिए लेयर 2 पे क्या हो रहा है, ये टोटल मैसेज तो आएगा, मतलब M1 आया, H4 आया, यहाँ से H3 हेडर 3 लेयर 3 का हेडर आ गया, अपना हेडर एक और ऐड कर देगा यहाँ पे H2, ऐसे इस मैसेज में ही ऐड कर देगा H2 और M2 और M3 H3 हेडर 3 तो यहाँ से आया ही आया है। एक चीज और देखेंगे यहाँ पे T2, और यहाँ भी T2 ऐड किया है। T2 मीन्स ट्रेलर है, ट्रेलर जिसको हम 2 डिटोट करता है, लेयर 2 की बात कर रहा है, लेयर 2 में हमने ट्रेलर ऐड किया, यहाँ पे ट्रेलर ऐड किया। ट्रेलर का मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि हमने जैसे इस मैसेज को यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, अब दोनों के साथ हम ट्रेलर ऐड कर दिए, तो अभी जो मैसेज सेंड होगा, जो रिसीवर के पास जाएगा, तो किस सिक्वेंस में है कि एक पार्ट डिलीवर हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा उसका ब्रेक किया हुआ पार्ट डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि तभी वो कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर आपका मैसेज बनेगा। तो यहाँ पे दिख सकते हैं कि 1 packet end एंड नेक्स्ट बिगिन, जैसे एक इंड होगा तुरंत ट्रेलर के थ्रू मीन्स वो बता देगा कि अब मुझे नेक्स्ट डिलीवर एक पैकेट इंड हो चुका है, दूसरा आप उसको सेंड कर दो, दूसरा बिगिन कर दो। तो इस तरह से होता है। फर्दर और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे जब हम एक्चुअल में रेफरेंस मॉडल पढ़ेंगे, जो कि अपकमिंग लेक्चर में आएगा, तो वहाँ पे और भी डिटेल में इसको समझ में आएगा। अब देखिए ये सारा किधर हुआ, सिस्टम यहाँ से यहाँ तक कहाँ हुआ, सिस्टम ए पे। अब जब यहाँ से आया लेयर टू के पास ये सारा मैसेज किसके पे गया, लेयर 1 पे, और लेयर 1 पे आपका फिजिकल मीडियम है जिसको हम वायर्ड कहते हैं, यहाँ पे सपोज केबल है, केबल के थ्रू कनेक्शन है, तो इसके थ्रू किसके पास आएगा, सिस्टम बी के पास। सिस्टम बी के पास इसी रेफरेंस में देखिए सबसे पहले ए आएगा, तो अब यहाँ से जैसे जैसे एक एक लेयर चलता ऊपर चलता जाएगा, मतलब सिस्टम बी के पास लेयर 5 तक, यहाँ पे क्या होगा, हर लेयर का जो हेडर या ट्रेलर है वो रिमूव होता जाएगा। जैसे यहाँ पे तो सेम मैसेज आया, अब हम यहाँ पे देखें 3 पे, तो यहाँ से जब यहाँ आया, देखिए डायरेक्शन में यहाँ शो कर रहा है कि जब यहाँ से यहाँ आएगा तो लेयर 2 सेकेंड लेयर का हेडर और ट्रेलर दोनों हट जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे हट चुका है। ऐसे जब इस लेयर पे आएगा 4 पे, तो 3 का हेडर हट जाएगा, यहाँ से 3 का हेडर हट जाएगा, और यहाँ पे इसको कंबाइन भी कर दिया, M2 M1 को कंबाइन भी कर दिया। फिर यहाँ से जब 5th लेयर पे आएगा तो हेडर 4 को भी डिस्कार्ड कर देगा। तो देख सकते हैं आपके एक्चुअल मैसेज जो यहाँ पे EM ट्रांसफर हुआ था, यही किसके पास आ गया, M के पास। और दूसरी चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे हर लेयर का, जैसे हमने बताया यहाँ पे प्रोटोकॉल्स भी काम करता है, तो यहाँ पे इसका प्रोटोकॉल्स भी काम करता होगा, मतलब कि यहाँ पे लेयर 5 प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा, यहाँ पे लेयर 4 प्रोटोकॉल काम कर रहा है, यहाँ पे लेयर 3 प्रोटोकॉल, और यहाँ पे इसके बीच में लेयर 2 प्रोटोकॉल काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर कर सकते हैं, जो कि आपको मशीन जो है कम्युनिकेशन में एक्चुअली में ऐसे काम करता है। लेयर का कंसेप्ट समझने के लिए एक तरह से और समझ सकते हैं कि जनरली जब हम दो पार्टी एक्चुअल में कम्युनिकेशन करते हैं, सपोज एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो सिंगल एक लेयर में हम आपको कम्युनिकेशन कर लिए। अब सपोज कीजिए जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, अगर वो लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, आपको भी एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा,
मुझे भी एक ट्रांसलेटर का रखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि हमारा ट्रांसलेटर जो मेरे लैंग्वेज को है उसको ट्रांसलेट करेगा आपके लैंग्वेज में या किसी अदर लैंग्वेज में, जो आपका ट्रांसलेटर है वो कोई अदर लैंग्वेज लेके आपके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेयर बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर आपको ट्रांसलेटर जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लिया तो सिंगल लेयर हो गया, अगर ट्रांसलेटर हम ऐड करते हैं तो क्या एक लेयर और बढ़ गया। ऐसे ही हम लेयर भी बढ़ा सकते हैं। तो लेयर बढ़ाने का कंसेप्ट क्या होता है, जनरली कई सारे चीज सिक्योरिटी पर्पज हो सकता है, मैसेज इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने का बात हो सकता है, और भी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जिसका हम इस लेयर्ड आर्किटेक्चर के थ्रू काम करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के रेफरेंस में। इसको डिटेल में हम फर्दर आगे और देखेंगे जब हम रेफरेंस मॉडल की एक्चुअल में बात करेंगे। तो होप सो यहाँ से आपको नेटवर्क हायरार्की मतलब कौन प्रोटोकॉल हायरार्की मतलब कौन कौन से प्रोटोकॉल्स किस हायरार्की में लगेंगे वो आप समझ गए होंगे। नेटवर्क आर्किटेक्चर भी बहुत ईजिली आप समझ गए होंगे इस डायग्राम से कि एक्चुअली में कैसे दो सिस्टम है तो वहाँ के बीच में कैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या कोई कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिज़ाइन इशू फॉर नेटवर्क लेयर और कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज के। जनरली इन दोनों टॉपिक से आपके एग्जाम में 60 नोट्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।